1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में आया था, जिसकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में हरियाणा अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इस स्वर्ण जयंती वर्ष में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री विजय गोयल ने हरियाणा सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को हरियाणा में आयोजित किए जाने की स्वीकृति दी, जिसके फलस्वरूप 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भव्य उद्घाटन 12 जनवरी 2017 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इस विशाल प्रांगण में माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ हुआ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित किया जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने हरियाणा सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के साथ मिलकर नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सहयोग से किया है। इस महोत्सव में देश के विभिन्न प्रदेशों और केंद्र शासित क्षेत्रों के 7,500 से भी अधिक युवा शामिल हुए, जिन्होंने इस दौरान आयोजित होने वाली अनेक सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लिया। इस पहल के अंतर्गत पूरे युवा महोत्सव को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस युवा महोत्सव को सफल बनाने की तैयारियां उद्घाटन समारोह से कई हफ्ते पहले ही आरंभ हो गई थीं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के विशाल खेल परिसर में वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी और मार्गदर्शन में इवेंट मैनेजमेंट टीम ने कड़े परिश्रम से एक भव्य सेटअप का निर्माण किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने की। इस समारोह को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री विजय गोयल ने अपनी उपस्थिति से अलंकृत किया। भारतीय परंपरा के अनुरूप मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। देश के विभिन्न प्रांतों से आए युवा दल जब अपनी पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य संगीत के साथ मार्च पास्ट में शामिल हुए तो दर्शकों ने उनका भरपूर उत्साह वर्धन किया। 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। टेक्नोलॉजी के इस दौर में आज देश के नौजवानों को 3 C's पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं सुझाव देता हूं। मैं जब 3 C's की बात करता हूं तब मेरा मतलब है, पहला सी कनेक्टिविटी, दूसरा सी कनेक्टिविटी और तीसरा सी क्रिएटिविटी। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को जितना समर्थन मेरे नौजवान दोस्तों ने दिया है वो इस बात का सबूत है कि समाज में व्याप्त बुराई को मिटाने के आप सभी में कितनी जबरदस्त इच्छा शक्ति है। इस अवसर पर श्री विजय गोयल ने देश में नकदी रहित लेन देन सुनिश्चित करने और डिजिटल इंडिया के लिए युवाओं को शपथ भी दिलवाई। युवा महोत्सव पर रोहतक में यह संकल्प करते हैं कि कैशलेस इंडिया के माध्यम से ईमानदार भारत की ओर शुरू की गई प्रधानमंत्री जी की पहल का पूरे मनोयोग के साथ अपना योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने युवाओं द्वारा अपनी प्रतिभा को पहचानने और राष्ट्रहित में उसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। 2 पंक्तियां लिखी हैं, युवा देश का भविष्य है, अर्थात जो जवानी है, जवानी नाम है बलिदान का विषपान करने का, जवानी नाम है बलिदान का विषपान करने का, चुनौती संकटों को दे दुखों का ध्यान करने का, अर्थात जवानी वो है जो संकटों को चुनौती के रूप में स्वीकार करता है, अर्थात जवानी, जवानी स्वामी विवेकानंद है, जवानी भगत सिंह है, जवानी सुखदेव है, जवानी राजगुरु है,
जवानी, महारानी लक्ष्मीबाई है जवानी, छत्रपति शिवाजी हैं जवानी, महाराणा प्रताप है, और आज की जवानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मैस्कट लाडू का अनावरण भी शामिल था। जागरूक, सशक्त, क्षमतावान और हौसले से सराबोर उस बालिका का प्रतिनिधित्व करती है जो आज हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जेनिथ डांस ग्रुप के 110 कलाकारों ने भी डिजिटल नृत्य प्रस्तुति के साथ हरियाणा के संदेश को युवाओं तक पहुंचाया। 21वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कई दृष्टियों से ऐतिहासिक रहा है। कई कार्यक्रम पहली बार महोत्सव में आयोजित किए गए। माननीय श्री विजय गोयल के मार्गदर्शन में पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए परमानेंट लोगो तैयार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की इच्छा अनुसार इस महोत्सव में आने वाले दर्शकों को रोहतक के विभिन्न स्थलों और आसपास के क्षेत्रों से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के लिए मुफ्त बस सेवा भी उपलब्ध करवाई गई, जिसका परिणाम है कि इसमें 4 लाख से अधिक लोग दर्शक के रूप में शामिल हुए। युवाओं की प्रतिभागिता और दर्शकों की संख्या को देखते हुए ये अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय युवा महोत्सव है। इस महोत्सव में आयोजित डिफेंस एक्सपो, विरासत, मेक इन हरियाणा, सरकार की उपलब्धियां, डिजिटल हरियाणा और डिजिधन प्रदर्शनियां भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र नहीं, स्वामी विवेकानंद भारत के युवाओं की प्रेरणा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव इन युवाओं को उसी महान विभूति के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ने और उसे अपने जीवन में अपनाने का अनूठा अवसर देता है। 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल देश भर से आए 7,500 से भी अधिक युवा अपने विचारों में स्वामी विवेकानंद को एक श्रद्धा युक्त स्थान देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।